और केरल धमाके पर राज्यपाल का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि ऐसी घटना स्वीकार्य नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरिफ मोहम्मद खान का बयान आया, उन्होंने कहा कि मेरी संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है, उन्होंने कहा कि ऐसी घटना स्वीकार्य नहीं है। I can only say that this is a horrific tragedy, crime against law, crime against constitution, crime against humanity. These things are not to be absolutely unacceptable in a rule of law society, in a democracy. My heart goes out to the victims of this tragedy. ऐसी घटना स्वीकार्य नहीं है, ये आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है। उन्होंने कहा कि ये न सिर्फ कानून व्यवस्था के खिलाफ बल्कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ भी एक तरह से अपराध है, मानवता के खिलाफ भी अपराध है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। Z News.